नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपा सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कोई भी एक्सरसाइज शेयर नहीं करने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टिप्स आपके पेट को जल्दी से कम करने के लिए। यानी कि अगर आप भी बहुत कुछ कर चुके हैं फिर भी आपका पेट कम नहीं हो रहा है, सो फ्रेंड्स ये वीडियो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताने वाली हूँ जो कि है तो बहुत छोटे लेकिन सच में आपके ऊपर वर्क करते हैं। अगर आप इनमें गलती करते हैं सो आपका बेली फैट कम नहीं होता है, या फिर होता भी है तो बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेसिंग होती है, जो कि आप मुझे अक्सर कमेंट्स करके बोलते हैं कि मैम हम बहुत दिनों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है, या फिर हम तो बहुत कम खाते हैं, एक रोटी खाते हैं, दो रोटी खाते हैं, बाहर का भी कुछ नहीं खाते हैं, फिर भी हमारा पेट निकल रहा है, फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा है। सो ये सारे कमेंट्स के भी आपको इस वीडियो में आंसर मिलेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप सही से समझ पाए कि पेट कम कैसे होगा। सो टिप्स नंबर फर्स्ट, फ्रेंड्स पेट कम करने की सोच रहे हैं तो आपको जो सबसे पहला काम करना है वो है अपनी बॉडी को, अपनी बैली को डिटॉक्स करना होगा। यानी कि जो आपके पेट में गंदगी जमा है, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो आपके पेट में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती है, आपकी आंतों में जाके चिपक जाती है, फिर वो सड़ती रहती है, गलती रहती है, जिसकी वजह से आपका पेट बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। सो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना होगा, हर रोज़ करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पानी पीना है ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप सबसे पहले सुबह जागते हैं तो आप पीना है गुनगुना पानी। आप जैसे ही सुबह जागते हैं आपको कोशिश करना है एक गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू डाल के पीने की। फ्रेंड्स ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देता है, आपकी आंतों में जितनी भी गंदगी जमा है वो बाहर निकाल देगा, डिटॉक्स कर देगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको ये लगता है कि नींबू पानी पीने से आपका फैट लॉस हो जाएगा, आप पतले हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नींबू पानी पीने से कोई पतला नहीं होता है, ये सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म मजबूत कर देता है, आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाती है। जितना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म मजबूत होगा उतना अच्छा आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी अच्छी से आपकी बॉडी वर्क करेगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाएगा। सो कोशिश करना है सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीने की। लेकिन अगर आपको नींबू पानी सूट नहीं करता है, ज़्यादातर लोगों को नींबू सूट नहीं भी करता है, सो उसका मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन बता रही हूँ, आप उसकी जगह पर नीम पी सकते हैं। नीम जो होता है हमारे आयुर्वेद में भी इसका बहुत ही अच्छे से बताया है कि नीम आपके लिए शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये आपको नींबू से भी अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप सुबह नीम की पत्तियों को कुछ को थोड़ा सा मसल के खा सकते हैं, ऊपर से पानी पी लीजिए, या फिर आप नीम की गोली भी खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इनका स्वाद जरूर आपको कड़वा लग सकता है लेकिन आपके पेट के लिए, आपके पेट में अगर और भी कोई प्रॉब्लम है ये उसको भी ठीक कर देंगे। और बाकी का दिन में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करिए, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता रहता है, आपको हाइड्रेट करता है, इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। नंबर टू फ्रेंड, दूसरा आपको सबसे ज़रूरी काम करना है वो है टोटली कट शुगर, यानी कि आपको चीनी को पूरी तरीके से बंद करना होगा। जब तक कि आप चीनी को बंद नहीं करेंगे खाना, तब तक आपका बैली फैट है या फिर वेट लॉस है बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस में होगा, क्योंकि चीनी में कुछ नहीं होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। चीनी में कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, आपका बहुत ही तेज़ी से फैट बढ़ता है क्योंकि कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम तो ज़्यादा मीठा खाते ही नहीं हैं, हम बिल्कुल चीनी नहीं लेते हैं, सो आप ऐसा ध्यान से लगा के सोचें कि आपके घर में चीनी का मंथली बजट कितना है, यानी कि आपके घर में मंथली कितनी ज़्यादा चीनी खत्म होती है। अगर आप वूमन है तो आपको पता होगा कि आपके घर में महीने में कितनी चीनी लगती है। अगर आप मैन है तो अपने घर में एक बार पूछ के देखिए कि घर में चीनी कितनी लग जाती है, आपको फटाफट समझ में आएगा। अगर आपके घर में एक महीने में 5 kg भी चीनी लगते हैं, अगर आपके घर में 4% है तो कम से कम 1 से लेकर 1.5 kg चीनी आपके अंदर जा रही है, और आप सोच नहीं सकते हैं कि उसमें
आपके शरीर के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक है। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स इसमें यह भी है कि चीनी को खाने से ज़्यादा जो चीनी हम पीते हैं किसी भी चाय में, कॉफ़ी में, स्मूदीज में, जूस में जो डाल कर पीते हैं, वो और भी ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं, वो और भी ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं। सो चीनी को आपको बिल्कुल कट करना है, कोशिश करिए बिल्कुल बंद करने की। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है तो आप फ्रूट ले सकते हैं, गुड़ यूज कर सकते हैं उसकी जगह पर। और अगर आपने एक सप्ताह, सिर्फ एक सप्ताह भी चीनी छोड़ दी तो आपको उसका जो रिजल्ट है आपको अपनी पूरी बॉडी पर ओवरऑल दिखेगा ही दिखेगा। बैली फैट तो गायब होगा, आपकी पूरी बॉडी से भी फैट गायब हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स यहाँ पर खाने का, जो आपकी कन्फ्यूजन है कि हम तो कम खाते हैं, इतना ही खाते हैं, फिर भी वजन बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको तीन चीज़ें समझनी होगी, आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कब खाते हैं, यानी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी और किस टाइम पर खाते हैं, ये चीज़ आपको तीनों समझना होगा। क्योंकि अगर आप कितना भी कम खाते हैं लेकिन वो उस चीज़ में ज़्यादा कैलोरीज है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा फैट दे देंगे। यानी कि अगर आप एक भी खा रहे हैं समोसा, अगर आप एक खा रहे हैं, एक गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो उसमें भी बहुत कैलोरीज होती है। कई लोगों के घर में ऐसा खाना बनता है कि वो एक रोटी खाते हैं, थोड़ी सी सब्जी खाते हैं, फिर भी उनको बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिलती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज होता है। आप तला हुआ खाना खाते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आप खाते क्या है। आता है क्वांटिटी, अगर आप अच्छी क्वांटिटी का भी कुछ खा रहे हैं, यानी कि आपका खाना बहुत हेल्दी, लेकिन अगर आप उसको भी ओवर ईट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, फ्रेंड्स अगर आप ज़्यादा, तो आप फ्रूट भी, सलाद भी अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वो भी आपके लिए नुकसान होगा। तीसरा है आप कब खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर को 2 से लेकर 3 घंटा खाना पचाने में, डाइजेशन में लगता है, बाकी 6 से लेकर 7 घंटे वो अपनी हीलिंग यानी हीलिंग प्रोसेस अपने आप पर खुद पर वर्क करती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर आप शरीर में कहीं घाव भी हो जाता है, कुछ लग जाता है, हमने देखा होगा कि जब हम रात को सोते हैं तो हमें ज़्यादा होता है, लेकिन हम सुबह जागते हैं तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, क्योंकि रात को हमारी बॉडी ने हमारे ऊपर यानी कि खुद के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया है, यानी कि हीलिंग प्रोसेस जो होती है उसको 6 से लेकर 7 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर आप रात को 11 बजे खाना खा रहे हैं फिर सो जाएंगे, तो 2 से लेकर 3 घंटा तो सिर्फ आपकी बॉडी खाना पचाई, ऊपर से आप सो रहे हैं तो उसको और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपके ऊपर वर्क कब कर पाएगी। फ्रेंड्स आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तब आपका फैट लॉस नहीं होता है, जब आप सोते हैं, सो आपने जो करा है उसका जो रिजल्ट है वो आपको तब मिलता है जब बॉडी अपने ऊपर वर्क करती है, आपको हील करती है। सो आपको ये भी समझना होगा, यानी कि जब भी खाते हैं सो कोशिश करिए कि आपकी बॉडी को डाइजेस्ट होने का भी समय मिले। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। फ्रेंड्स आपको फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिन का कम से कम 1 घंटा आपकी फिजिकल एक्टिविटी होना ज़रूरी है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू पूरा 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करें। आप सुबह 30 मिनट वॉक करते हैं, शाम को 30 मिनट वॉक कर सकते हैं, या फिर आप सुबह 30 मिनट वॉक करते हैं, 20 मिनट आप एक्सरसाइज करिए, या फिर आप वॉक करने नहीं जाते हैं तो आप 40 मिनट कम से कम एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आपको दिन में थोड़ा थोड़ा समय मिलता है तब आप एक्टिविटी करिए, जैसे कि आप 10 मिनट योगा करते हैं, 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, 20 मिनट वॉकिंग करते हैं। जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, घूमते घूमते करिए, यानी कि इस तरीके से आपकी 1 घंटा, आपको ये समझना होगा आपको कैसे करना है, कम से कम 1 घंटा आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से आपका जो बैली फैट है, आपकी बॉडी का फैट है, वो ज़्यादा से जल्दी रिड्यूस हो जाता है। अच्छे से इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, समझना है अपने शरीर को, आपको अपनी जो रूटीन है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये वीडियो जरूर यूजफुल लगा होगा, पसंद आया है। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया फटाफट कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।